अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड, तो उसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और 1 टीस्पून शुगर, हाफ टीस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, और ये है छोटी टीस्पून जीस्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ये है 2 टेबलस्पून घी। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें घी ऐड करूंगी। और ये है नीम गरम दूध, इसको मिक्स करते हैं। अब इसको भून लेंगे। इस तरह का मैंने इसको कर लिया है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये डो हमारी फूलती नहीं है। देखिए व्यूअर्स, मैदा हमने बना के रख दिया है। इसकी डो जब तक फूलती है, इतनी देर में हम चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। ये 1 ऑनियन लिया है, मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। ये है शिमला मिर्च, थोड़ी सी रेड है, थोड़ी सी ग्रीन, और 2 चम्मच मैदा, 1 कप मिल्क। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2 चम्मच मैंने लिया है घी। आप बटर भी ले सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा करेंगे सॉफ्ट सा। प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, जिसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मैदे को, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करेंगे दूध, मिक्स करेंगे। मिलाते जाएं ताकि ये गुठली सी ना बने। इसकी शेप में आ जाए। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, इसको मिक्स करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन हमने ऐड किया है। चिकन बॉईल हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है, बुनाई की है। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की सब्जियां, कॉर्न भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी ताकि ये शिमला मिर्च का कलर चेंज हो जाए। व्यूअर्स, मैदे को हमने डो को रखा था, तो ये फूल गया सही, इस शेप में आ गई है। अब इसका पेड़ा बनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा ये नीचे बनाएंगे मैदा। अब इसको लंबाई की शक्ल में इस तरह बेलें। इस तरह होगी। हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरा जितना आता है इसमें ऐड कर दी। इसमें अब इसको इस तरह ऐसे कट लगा लेंगे, ऐसे ऐसे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब एक को इधर इस तरह बंद करते जाएं, ऐसे ऐसे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब बहुत ईजी है। अब एक पैन रखते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी ब्रेड रेडी है। अब इसके ऊपर में ये येलो एग लगाएंगे इस तरह। ये वाइट नहीं है, सिर्फ येलो में लगाऊंगी। इससे बहुत ही अच्छी शाइन आती है। ये ऐसे लगा लें, ये इधर। अब अगर आप एग साथ नहीं करते तो मिल्क भी लगा सकते हैं। इसी तरह मिल्क को, ये देखिए माशाल्लाह रेडी है। मैंने इस तरह का पैन लिया है, ये मेरे पास था। ये थोड़ा साइज में छोटा है, इसमें नहीं आएगी। आप कोई भी ले सकते हैं, घर में कोई भी बड़ा हो। हमें इस पर थोड़ी सी आप वाइट तिल भी लगा सकते हैं। ये मैं कलौंजी इस पर लगाऊंगी। चले रेडी है। अब इसको पैन में रखते हैं। ये एक इस पैन को मैंने प्री हीट किया हुआ है, नमक रखा है इसमें और एक स्टैंड सा इसके ऊपर रखेंगे, ये वाला स्टैंड। अब हम इसको बंद कर देंगे। 5 मिनट तक फुल आंच पे इसको ऑन करेंगे और इसके बाद मीडियम आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको रखेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं मिडल में। देखिए व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट तक हमने इसको कवर किया था। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने तक इसको निकाल लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दें ताकि ये सॉफ्ट रहे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें वेजिटेबल भी इस्तेमाल किए, बच्चों के लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप भी बनाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी बनी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। बहुत इजीली बनती है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए माशाल्लाह सारी वेजिटेबल्स और चिकन भी कैसे है, और है माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट, कोई ये सख्त नहीं है। आप बनने के बाद इसके ऊपर बटर लगाएं तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। ये देखें माशाल्लाह।